हेलो दोस्तों, यूनिक ऑनलाइन गुरु में सब आप सबका स्वागत है। चलिए आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे टैली हिस्ट्री और डेफिनेशन ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ टैली, ठीक है, सॉरी इंट्रोडक्शन ऑफ टैली, ठीक है। आज के वीडियो में हम ये देखेंगे, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो मैंने कैसे डाउनलोड किया था, इंस्टॉल किया था, लेजर क्रिएट करना, मल्टी लेजर क्रिएट करना, कंपनी बनाना, ये कुछ सेटिंग बेसिक थी जो मैं मुझे आपको बताना जरूरी था, मैंने आपको बता दिया। चलिए आज से हम टैली स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, आइए देखिए, कहता है कि टैली के जनक, क्योंकि कोई भी हम सब्सक्राइबर भाई पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में मुझे जानना चाहिए कि उसके जनक क्या। टैली के जनक कौन है? तो टैली के जनक कहा गया कि टैली के जनक कौन है, तो टैली के जनक देखिए आपको यहाँ पे सामने दिख रहा होगा, जो टैली के जनक थे श्याम सुंदर और गोयनका, भारत गोयनका, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो श्याम सुंदर गोयनका थे, ये भारत गोयनका, ये दोनों एक भारत गोयनका जो थे, ये श्याम सुंदर गोयनका के पिता थे, जिन्हों कोयले काम करते थे, और इन्होंने एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, ठीक है। इन्होंने किसका निर्माण किया? एक सॉफ्टवेयर का निर्माण किया, क्योंकि ये इन अकाउंटिंग पे काम करते थे, और अकाउंटिंग पे काम के ये मैनुअल काम करते थे, जिस वजह से इन पे कुछ इशू हो जाती थी, जिससे इन्होंने अपने बेटे कैसे श्याम सुंदर से कहा कि कोई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाइए जिससे कि हम उस पर आसानी से अकाउंटिंग का काम कर सकते हैं, ठीक है। तो श्याम सुंदर ने हमारा क्या बनाया था? टैली का, अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर बनाया था, ठीक है। ये अकाउंटिंग का जो सॉफ्टवेयर बनाया था सन 1986 में, यहाँ देखिएगा आप लोग को दिख रहा होगा 1986 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। और जो कंपनी का नाम था वो टैली सॉल्यूशन पीवीटी, आपको दिख रहा होगा सामने, टैली सॉल्यूशन पीवीटी एलटीडी कंपनी नाम था उसका, यानी कहने का मतलब है टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ठीक है। अब आगे आइए, नीचे देखिए आप, और एक दिख रहा होगा कि सॉफ्टवेयर वर्जन, जिसका सॉफ्टवेयर जो अर्जन वर्जन था, अभी देखिए टैली ERPM 9, टैली सर्वर 9, टैली प्राइम, ठीक है, ये सारे उसके वर्जन थे। जो ERPM 9 मेरा आपको पता होगा कि 2020 में बंद हो गया, इसमें जो नया वर्जन हमारा आया है टैली प्राइम का आया है, ठीक है। और जो टैली प्राइम का मेरा जो नया वर्जन है, इसका जो टैली का जो डाउनलोड करने का जो वेबसाइट है tallysolution.com है, लेकिन ये टैली प्राइम का जो है इसका कुछ और है, इस आपको यहाँ पे tallysolution.com नहीं, आपको यहाँ पे इसका सर्च करना पड़ेगा, क्या मैंने इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बता दिया था टैली, ठीक है, आपको लिखना पड़ेगा टैली, ठीक है, और यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा प्राइम, ठीक है, इससे पहले वाले मैंने वीडियो में आपको बताया था, और इस देखिए tallyprimesolution.com, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि tallysolution.com से टैली प्राइम आपका डाउनलोड नहीं होगा। हम लोग जो पढ़ रहे हैं टैली प्राइम पढ़ रहे हैं, इसलिए टैली प्राइम को डाउनलोड करने के लिए जो हमारा वेबसाइट होगा tallyprimesolution.com, ठीक है। इससे पहले वाले मैंने वीडियो में जिस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि टैली जो प्राइम है कैसे डाउनलोड करेंगे, इंस्टॉल करेंगे, उसमें मैंने आपको ये बता दिया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, आगे देखिएगा, इसमें दे रहा है इम्पोर्टेंट फैक्ट, यानी कि कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं कि यहाँ पे बताया गया कि कौन सी टैली, मतलब जो सॉफ्टवेयर है, ये कौन से सन में लॉन्च किए गए थे, एक एक करके बताया गया, ठीक है। आज ये नीचे देखते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा वर्ष और महत्वपूर्ण तथ्य, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 1988 में जो बता रहा है, ये जो अकाउंटिंग जो है, ये नाम था, क्या नाम था, पेट्रोनिक, क्या है, सॉरी लिखा है पेंट्रोनिक फाइनेंशियल अकाउंटेंट, इसके जो नाम को बदल कर क्या रखा गया था, टैली, जो हमारा पहला अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर था उसका नाम ये था, जिसको बदल कर मेरा क्या रख दिया गया, टैली रख दिया गया था। अब आ जाइए नीचे, नीचे आपको दिख रहा होगा 1999 में इस कंपनी के नाम को क्या कहा गया, इस कंपनी के नाम को बदल कर क्या रख दिया गया था, टैली सॉल्यूशन रख दिया गया था। किसमें रखा गया था? टैली सॉल्यूशन, किसमें? 1999 में, ठीक है। अब नीचे आ जाइए, आपको दिख रहा होगा 2001 में, यानी सन 2001 में कंपनी ने इस वर्ष टैली 63 को लॉन्च किया गया। इस वर्जन में अकाउंटिंग के अलावा एजुकेशनल वर्जन सॉफ्टवेयर भी लॉन्च किया गया। कहने का मतलब ये है, कह ये रहा है कि जो हमारा 2001 में जो कंपनी जो टैली को जो सॉफ्टवेयर का लॉन्च की थी, जो वर्जन को लॉन्च की थी, उसमें हम एजुकेशनल से संबंधित चीज़ें भी, बस एजुकेशनल से संबंधित हम काम कर सकते थे, ठीक है। अब आ जाइए नीचे, आपको नीचे दिख रहा होगा 2005, यानी सन 2005, यानी कि टैली का और भी डिजाइन के साथ बाजार में उतारा गया, जिसमें
सबसे मुख्य फीचर जो था वो था वैल्यू एडेड टेस्टिंग, ठीक है, जैसे कि जिसको हम कहते हैं वेट, जो आपको जीएसटी से पहले जो मेरा जो टैक्स लगता था क्या था, वेट टैक्स था, जो टैली सॉल्यूशन को, जो टैली के जो हमारा सॉफ्टवेयर है वो 2005 में इसको लॉन्च किया गया था और उसमें कुछ डिजाइनिंग बनाई थी, मतलब डिजाइनिंग क्या मतलब कुछ उसमें एडवांस चीज़ें डाली गई थी जिससे वेट को मतलब वेट जो टैक्स था हमारा उसको क्या कर सकता था काम, मतलब उसमें काम कर सकते थे। कह रहा कि भी भारतीय ग्राहक के लिए उपयोग था ये टैली 72 वर्जन था, यानी कि आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि टैली 6.3 था, ठीक है, यहाँ पर 7, ठीक है, 72 वर्जन था, ठीक है। अब आ जाइए टैली के नीचे, अब आ जाइए नीचे, अब देखते हैं आपको यहाँ पर दिख रहा होगा 2006। कह रहा कि कंपनी इस 2006 टैली अलग वर्जन, यानी कि यहाँ पर जो टैली का जो था वो अलग वर्जन था। और नीचे आएंगे आपको नीचे दिख रहा होगा 9.9, यानी कि 9 यहाँ पे देखिए, सॉरी ये आपका 9 नहीं है, ये कह रहा है कि 9 नवंबर है, ये सॉरी आपका गलत हो गया, यहाँ पर नवंबर होगा, ठीक है, आप लोग अपने लिख लीजिएगा। और आप लोग पीडीएफ का यहाँ नोट्स का टेंशन मत लीजिएगा क्योंकि नोट्स आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है, तो इसमें कुछ इशू हुआ होगा तो मैं आपको वो यहाँ पे पढ़ाते वक्त बता दूंगा और नोट का जो है आपको पीडीएफ के थ्रू मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ 9 नवंबर 2020 है, इस साल कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया जो एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, टैली प्राइम, यही हम लोग पढ़ रहे हैं, टैली प्राइम ही हम लोग क्या कर रहे हैं, पढ़ इसी पे हम काम करेंगे और इसी सॉफ्टवेयर पे हम काम करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं जो टैली प्राइम मेरा है ये टैली ERP 9 से कुछ एडवांस है। आपको यहाँ दिख रहा भी होगा, लिख रहा है एडवांस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी कि ये सब अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से कुछ एडवांस है। चलिए आगे देखते हैं क्या एडवांस है, इसके बारे में जानते हैं। अब आ जाइए यहाँ पर, हम आपको बताएंगे टैली प्राइम। अब देखिए टैली प्राइम, अब टैली प्राइम कहा जाता है कि टैली प्राइम यानी जो सॉफ्टवेयर है उसको पढ़ने से पहले हमको ये जानना जरूरी होगा कि आखिर में टैली होती क्या है, ठीक है, टैली होती क्या है। सब बहुत लोगों के कंफ्यूज होते हैं, टैली पढ़ लेते हैं लेकिन उन लोगों को ये नहीं मालूम होता कि टैली होती क्या है। तो भाई मैं बता दूँ आप लोगों को टैली क्या होती है, देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा किसी भी बिजनेस को, ठीक है, कह रहा है किसी भी बिजनेस को ठीक ढंग से चलाने के लिए, उसमें लाभ कमाने के लिए यह आवश्यक है, क्या कह रहा है, यह आवश्यक है कि हम सही तरीके से उसका हिसाब किताब रखें पर कंप्यूटर पर अकाउंटिंग। अब देखिए यहाँ कहने का मतलब ये है कि किसी भी बिजनेस में, मानिए आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, अगर उस बिजनेस के हिसाब किताब कहने का मतलब जो ट्रांजैक्शन होती है यानी कि जो लेन देन होती है उसके रिकॉर्ड को आसानी से रखने, सही तरीके से रखने के लिए ये हमें आवश्यक है कि हम उसको सही मैनुअल में आप काम करेंगे तो आपको ये हो सकता है मैनुअल करते समय आपको कुछ गलती हो जाए, ठीक है, तो इसको इसी गलती को सुधार के लिए कहा गया कि इसको कंप्यूटर में किया गया, क्योंकि कंप्यूटर में किया गया और कंप्यूटर में जब इस काम को करने मतलब स्टार्ट किया गया तो कंप्यूटर में इस काम को करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत थी, ठीक है, क्योंकि विदाउट आप जानते हैं कि कोई भी काम विदाउट सॉफ्टवेयर को होने सकती है, ठीक है, तो जो हमारा अकाउंटिंग का काम था इसको एक सॉफ्टवेयर की जरूरत थी और हमारा टैली क्या था कंप्यूटर पर, देखिए आप आपको दिख रहा होगा टैली पर अकाउंटिंग, ये देखिए कह रहा है अकाउंटिंग कंप्यूटर सॉरी कह रहा है कंप्यूटर पर अकाउंटिंग, कह रहा है कंप्यूटर पर अकाउंटिंग करने के लिए हमें अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की मदद लेनी होती है और टैली उसी प्रकार का सॉफ्टवेयर है। मैंने आपको बताया था ना कि टैली देखिए कंप्यूटर पर हम काम करेंगे क्योंकि हम जानते हैं कि जब हम अकाउंटिंग को सही तरीके से अपने रिकॉर्ड को रखना चाहते हैं तो उसको सही तरीके से रखने के लिए मुझे कंप्यूटर में काम करना पड़ेगा और कंप्यूटर में काम करने के लिए मुझे एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, ठीक है, विदाउट सॉफ्टवेयर हम उस काम को नहीं कर सकते, ठीक है, और सॉफ्टवेयर की आवश्यकता जब होगी तो उसी क्या बोलता है उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें एक सॉफ्टवेयर बनाया गया था जिसको अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कहते हैं और टैली हमारा उसी प्रकार का क्या है एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम अपने अकाउंटिंग यानी जो बिजनेस मेरा है उससे संबंधित ट्रांजैक्शन यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिख रहा है जिसमें हम अपने बिजनेस या व्यवसाय का पूरा ट्रांजैक्शन को आसानी से रख सकते हैं। आपको दिख रहा होगा बिजनेस या व्यवसाय एक ही होता है, कहने का मतलब यह है कि जो हम अपने बिजनेस में जो व्यापार करें जो ट्रांजैक्शन करेंगे कितना गुड्स आया कितना गुड्स गया कितना पैसे आए कितने पैसे गए कितनी की प्रॉफिट हुई कितनी की लॉस हुई ये सारी ट्रांजैक्शन हम अपने इस सॉफ्टवेयर टैली सॉफ्टवेयर के अंतर्गत कंप्यूटर में हम काम करके आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए नीचे, यहाँ आपको दिख रहा है विच टू रन एनी बिजनेस, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको हिंदी में यहाँ पे बताया है वही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में दिया है,
जो CBSE वाले हैं वो आपको यहाँ पे इंग्लिश में है उसको भी पढ़ के समझ सकते हैं, और जो हिंदी वाले हैं वो जो UP बोर्ड वाले हैं वो हिंदी में भी समझ सकते हैं, ठीक है। इसलिए मैंने आप लोगों को दोनों चीज़ें प्रोवाइड किया है, इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रोवाइड किया है, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो, जो CBSE वाले हों SSC बोर्ड वाले हों उन लोगों को भी दिक्कत ना हो, और जो UP बोर्ड वाले भी हों उन लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि UP बोर्ड वाले लोगों को बहुत लोग ऐसे हैं जिनको इंग्लिश नहीं आता है, इंग्लिश समझ में नहीं आता, उनको ट्रांसलेट करना नहीं आता, इसलिए उनके लिए मैंने हिंदी यहाँ पर छपा दिया। मैं देखिए हिंदी ही पढ़ा रहा हूँ ताकि हिंदी मैं जानता हूँ कि सभी को आता है और सभी लोग अच्छे समझ लेंगे, इंग्लिश बहुत कम लोगों का आता है इसलिए मैं इंग्लिश नहीं, और इंग्लिश देखिए यहाँ पर दिया गया है, अगर आप जाते हैं तो आप भी पढ़ के समझ सकते हैं। यहाँ जैसे लिख रहा है विश टू रन एनी बिजनेस प्रॉपर्टी, ठीक है ठीक है, करा टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम इट, ठीक है, ऐसे बता रहा है कि किसी भी बिजनेस में प्रॉफिट और लॉस कमाने के लिए जो हमें बिजनेस की जो आवश्यकता होती है, वो बता रहा है कि ट्रांजेक्शन को सही तरीके से रखने के लिए जो हमें अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, किसी को अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कर सकते हैं, किसी में हम आसानी से रख सकते हैं, यही चीज़ें जो मैंने आपको ऊपर हिंदी में बताया था वही सारी चीज़ें इंग्लिश में यहाँ लिखे कन्वर्ट किया, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं, आगे आपको दिख रहा होगा डेफिनेशन ऑफ टैली। अभी तक तो हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ टैली, यानी कि हम लोग टैली का इंट्रोडक्शन लिए हैं, अब आती है डेफिनेशन। डेफिनेशन इंट्रोडक्शन का मतलब होता है परिचय देना, डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषित करना। अब यहाँ पर हम टैली को परिभाषित करते हैं कि टैली मतलब क्या थी, उसमें क्या मतलब उसको विस्तार में परिभाषित करेंगे कि क्या है उसमें, क्या और चीज़ें हैं, क्या कर सकते हैं उससे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हम डेफिनेशन में देखते हैं। अब आ जाइए कह रहा डेफिनेशन में, कह रहा टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। मैं सही बताया, मैंने आप लोगों को ये इंट्रोडक्शन में देते हुए ही बता दिया हूँ कि टैली मेरा क्या इस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। वो भी वही चीज़ें यहाँ पर बता रहा है कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से छोटे एवं मध्यम उद्यम व्यवसाय में अपने व्यापार से संबंधित रिकॉर्ड को आसानी से रख सकते हैं। छोटे एवं मध्यम कहने का मतलब यह है कि स्मॉल और मीडियम साइज के जो स्मॉल एंड मीडियम जो व्यवसाय हैं, बिजनेस हैं, उनसे संबंधित जो हमारे व्यापार हैं, ठीक है, उसके संबंधित जो रिकॉर्ड है उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा लिखा है टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से छोटे एवं मध्यम उद्यम व्यवसाय अपने व्यापार से संबंधित रिकॉर्ड को आसानी से रख सकते हैं, ठीक है। अब आइए नीचे नीचे देखते हैं, लिख रहा है टैली उसी प्रकार का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, कह रहा है कि टैली जो उसी प्रकार का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से कोई भी बिजनेसमैन अपने व्यापार में होने वाले फायदे रिकॉर्ड को आसानी से रख सकता है। अब कह रहा है कि टैली यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, शुरू में बता देता हूँ, एक बार और पढ़ देता हूँ, कह रहा है कि टैली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से छोटे एवं मध्यम उद्यम व्यवसाय अपने व्यापार से संबंधित रिकॉर्ड को आसानी से रख सकते हैं, और कह रहा है कि टैली उसी प्रकार का एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से कोई भी बिजनेसमैन कहने का मतलब है जो बिजनेस करते हैं वो अपने व्यापार से होने वाले फायदे घाटे यानी प्रॉफिट और लॉस कहने का मतलब ये होता है कि फायदे घाटे कहने का ये तो प्रॉफिट और लॉस का जो रिकॉर्ड होता है उसको आसानी से रख के यहाँ पे वो समझ सकते हैं कि मेरे जो मैंने बिजनेस स्टार्ट किया हूँ मेरे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, ये टैली की मदद से जान सकते हैं, ठीक है। अब आ जाइए, मैं देखिए यही है वही है डेफिनेशन ऑफ टैली, वही चीज़ें मैंने जो आपको बताया था उसका इंग्लिश में दिया है, आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा, ठीक है। अब आगे नीचे देखते हैं, कह रहा है कि टैली प्राइम 2020 क्या है, यानी कह रहा है कि टैली प्राइम हम लोग जानते हैं जो टैली प्राइम है, अब हम टैली प्राइम देखते हैं भाई, क्योंकि अभी तक हम लोग टैली देखेंगे, टैली की इंट्रोडक्शन क्या था, टैली का डेफिनेशन क्या था, अब हम टैली प्राइम पढ़ते हैं तो हम जान जाते हैं कि टैली प्राइम आखिर में टैली प्राइम क्या है, ठीक है। क्योंकि टैली प्राइम पे हम पढ़ते हैं, जिस सॉफ्टवेयर को हम पढ़ रहे हैं अगर उसी के बारे में हमें जानकारी नहीं रहेगी तो भाई काम कैसे करेंगे। तो चलिए देखते हैं टैली प्राइम क्या है, कह रहा है कि यहाँ कह रहा है कि ये टैली का नवीनतम, ठीक है, कह रहा है ये टैली का नवीनतम वर्जन है जिसमें टैली ERP 9 से एडवांस बनाया गया है, जिसमें हम QR कोड ई मूवी लिखा गया, ई इनवाइस रहेगा, ठीक है, आप लोग कर लीजिएगा ई इनवाइस, ठीक है, कुछ टाइपिंग करते जो टाइपर है वो गलती कर दी है, यहाँ पे ई इनवाइस, फिर कह रहा है ई वे बिल है, फिर से मल्टी प्रिंटिंग है, बैंक कैलकुलेशन अपडेट, ओ मैन वेट, ई पेमेंट, ठीक है, फ्रेंडली इंटरफेस तैयार किया गया है, यानी कि कहा गया है कि जो टैली ERP 9 है उससे कुछ एडवांस दिया गया है जिसमें आप QR कोड के थ्रू इनवाइस, BPL, ठीक है, मल्टी प्रिंटिंग, बैंकिंग कैलकुलेशन, ये सारी चीज़ें इसमें आप उससे कुछ एडवांस जो कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे आ जाइए, अब आगे देखते हैं, मैं देखिए यहाँ पे वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको बताया है, वही चीज़ें यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट करके दिया है तो आप लोग पढ़ सकते हैं। दिस देखिए यहाँ पे लिखा है दिस इज द लेटेस्ट वर्जन ऑफ टैली विच एडवांस हैज बीन मेड फ्रॉम टैली ERP 9 इन विच यू हैव, ठीक है, कह रहा है पर्पज
क्यूआर कोड इनवाइस बिल मल्टी प्रिंटिंग, देखिए यहाँ पे सही लिखा है इनवाइस ई इनवाइस किया, लेकिन हिंदी में यहाँ पे गलत हो गया है, तो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है मल्टी प्रिंटिंग, ठीक है, नीचे आ जाइए, कह रहा है बैंक कैंकुलेशन अपडेट मोमैन वेट पेमेंट एज वेल एज यूजर फ्रेंडली इंटरफेस, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया था नीचे ऊपर, जैसे हिंदी पढ़ते हुए मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दिया हूँ, वही चीज़ें इंग्लिश में, जो आप वही सेम टू सेम वही है उसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया गया है, आप इसको भी पढ़ के समझ सकते हैं। अब आ जाइए हाउ टू डाउनलोड एंड टैली प्राइम, मैंने आपको पहली वाली वीडियो में ही बता दिया था कि टैली प्राइम को कैसे डाउनलोड किया जाता है, उसको ही मैंने एक क्या बोला जाता है, मतलब मैं लिख कर एक सेटअप के थ्रू, मतलब क्या कहूँ कि बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास अपना पर्सनल लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं होता है, तो वो किसी लैब या किसी कंप्यूटर में जाके किसी इंस्टीट्यूट पे जाके अपना मतलब करके ज्वाइनिंग करके वहाँ पे पढ़ते हैं, तो उनके लिए मैंने एक बताया ये सेटअप बनाया हूँ कि ताकि इसकी मदद से वो अपने लैपटॉप में या अगर वो वीडियो उनके पास अगर मानिए उस टाइम वो नहीं देख पाए, अगर बाद में मानिए उनके पास वीडियो नहीं है, तो इस नोट्स अगर बनाए रहेंगे तो इस नोट्स की मदद से वो अपने लैपटॉप में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि कह रहा है कि कैसे डाउनलोड करते हैं, आज ये बताते हैं, कह रहा है कि हाउ टू डाउनलोड एंड टैली प्राइम, कह रहा है कि गो टू द लैपटॉप या डेस्कटॉप, कह रहा है कि आपका जो लैपटॉप है या डेस्कटॉप है उसके स्क्रीन पर जाइए, कहाँ चले जाइए, उसके स्क्रीन पर जाइए, और स्क्रीन पर जाने के बाद ठीक है कह रहा कि क्लिक ऑन ओपन गूगल क्रोम हो, यानी कि कोई एक ब्राउजर ओपन कीजिए गूगल या क्रोम हो जिसमें, और उस पर सर्च कीजिए, जो सर्च बॉक्स होता है उसमें सर्च क्या कीजिए telesolution.com, टैली प्राइम, यहाँ पर सॉरी टैली प्राइम कर दीजिएगा, यहाँ टैली सोल्यूशन से मिलेगा, टैली देखिए यहाँ पर लिखा है telesolution.com सही है, ठीक है telesolution.com वहाँ पर सर्च कीजिएगा, जैसे आप सर्च कर इंटर करेंगे फर्स्ट लिंक आपका ओपन होगा, जैसे फर्स्ट लिंक पर लिखा होगा टैली सोल्यूशन, ठीक है डाउनलोड टैली सोल्यूशन, उस पर क्लिक कीजिएगा, और क्लिक करते ही आपका एक सेटअप डाउनलोड होगा, जो सेटअप पूछेगा बहुत लैपटॉप में पूछता है कि किसी फोल्डर के थ्रू आप सेव करके डाउनलोड करना चाहते हैं या नहीं, ठीक है तो अगर आप में पूछे तो आप उसको सेव कर लीजिएगा, नहीं तो उस सेटअप पे अगर सेव हो जाएगा तो उस सेटअप पे जाइएगा, वहाँ पे डबल क्लिक कीजिएगा और वहाँ से आप टैली प्राइम जो है उसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप लोग को आ गया होगा, आप लोग इंस्टॉल कर लेंगे। अब आगे चलिए, आगे देखते हैं यहाँ पे कह रहा है कि हाउ टू यूज टैली प्राइम, यानी कि जो टैली प्राइम है उसको हम यूज कैसे करेंगे, उस पर हम काम कैसे करेंगे, ठीक है इसके बारे में मैं बता दूँ। सबसे पहले देखिए जो टैली में हम काम करते हैं, सबसे पहले जो काम करते हैं ट्रांजेक्शन का काम करते हैं, ठीक है कोई ट्रांजेक्शन होगा जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे उसमें एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले एक हमारा ट्रांजेक्शन होगा, फिर से ट्रांजेक्शन का लेजर हम क्रिएट करेंगे, क्योंकि विदाउट लेजर क्रिएट किया हम ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि लेजर क्रिएट करने का मैंने आपको इससे पहले वाली वीडियो में यानी कि सेकेंड वाली वीडियो में मैंने आपको लेजर क्रिएट करना बताया था, वही लेजर होता है कोई भी ट्रांजेक्शन हो उसका लेजर क्रिएट करेंगे। फिर से करा स्टॉक मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट करने का मतलब जो हम आइटम्स लेंगे या गुड्स होंगे हमारे उनका जो मैनेजमेंट होगा, स्टॉक मतलब उनका क्वांटिटी कितना है रेट कितना है उसका स्टॉक मैनेजमेंट के अंतर्गत आ जाती है। फिर से कह रहा है उस वाउचर की एंट्री करेंगे और लास्ट में हम जाकर क्या करेंगे उसका रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट देखने का मतलब क्या होता है बैलेंस शीट, ठीक है प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है, फिर से उसका ट्रायल बैलेंस, ठीक है यहाँ से देख सकते हैं। फिर से और क्या देखते हैं वहाँ पे आप उसका क्या बोलता है स्टॉक समरी में आप वो चीज़ें देख सकते हैं कि आपका कितना गुड्स बचा है कितना गुड्स नहीं बचा है, ठीक है। तो ये सही आज की वीडियो मुझे पूरा उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। और आगे के वीडियो में हम देखते हैं मिलेंगे आपसे अकाउंटिंग से संबंधित जो चीज़ें हैं, ठीक है उससे हम मिलेंगे कि अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि अकाउंटिंग में जो हमारे टैली में अकाउंटिंग है उसमें कितने टाइप से अकाउंटिंग होते हैं और उसी के अंतर्गत हम आपको गोल्डन रूल पढ़ाएंगे ताकि आप वही गोल्डन रूल पढ़ने के बाद ही अपने जर्नल एंट्री कर पाएंगे, ठीक है। तो ये आगे के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए आप लोगों को धन्यवाद, जय हिंद।